एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं के खिलाफ एंटी भूमाफिया के नाम से अभियान चला रहे हैं और अवैध जमीन पर कब्जा करने वालों को चिन्हित कर भूमाफियाओं की सूची में शामिल करके उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आगरा में एक भाजपा नेता की जमीन को कब्जाने का मामला सामने आया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश में भाजपा के लोगों की जमीन पर ही कब्जा हो रहा है तो आम आदमी का क्या होगा। ताजा मामला आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र के रहने वाले ओमवीर सिंह सिकरवार आगरा के फतेहपुर सीकरी विधानसभा से भाजपा प्रभारी का है। ओमवीर सिकरवार की गोलाना रोड पर जमीन है जिसके सारे दस्तावेज ओमवीर सिंह सिकरवार के नाम होते हुए भी रामकृष्ण राघव ने जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़ित द्वारा की गई शिकायत पर आगरा के जिलाधिकारी ने मामले की जांच करवाई जिसमें पीड़ित और करोड़ों की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा पाया गया। डीएम ने आरोपियों को भूमाफियों की श्रेणी में चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई के आदेश कर दिए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रामकृष्ण राघव विद्युत विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर हैं जिसने करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है जिसमें आरोपी के साथ थाना न्यू आगरा के एक चौकी प्रभारी का बहुत योगदान रहा। अब देखना यह होगा कि आगरा के प्रशासनिक अधिकारी रामकृष्ण राघव के खिलाफ कार्रवाई करके कब तक जेल भेजते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट की करीब 10 करोड़ की सरकारी जमीन वन विभाग की जिसमें पहले वन विभाग में आग लगवाई, वन विभाग को कटवाया और कटवा के उस पर कब्जा किया और कब्जा करके उस पर भवन निर्माण करा दिया, तीन तीन मंजिलें ऊंची इमारतें बना के खड़ी कर दी। हमने डीएम साहब से शिकायत की, डीएम साहब ने जाँच कराई।